और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना अभी फिलहाल बाकी है। 416 वोट अमान्य करार हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे शशि थरूर, उनको 1,072 वोट, केवल 1,072 वोट शशि थरूर को मिले हैं। वहीं 416 वोट अमान हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें कुल 9,385 डेलीगेट्स ने अपना वोट डाला था। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। बता दें कि कांग्रेस 9,800 से ज्यादा कांग्रेस नेता इसकी पार्टी अध्यक्ष के लिए देश भर में बने 40 केंद्रों पर वोट कर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से अपनी पसंद को लॉक किया था। नए अध्यक्ष की रेस में शुरुआत से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बताया जा रहा था। इसका बड़ा कारण है कि ये है कि गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को समर्थन खड़गे को मिला है। इस बात से शशि थरूर नाराज भी हैं। उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस में इससे पहले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए थे। 2000 के चुनाव में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया था। गांधी परिवार से करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते खड़गे की दावेदारी पहले ही मजबूत मानी जा रही थी। तो खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं।